नमस्कार, दीप्ता किचनवाल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाले चाय की रेसिपी। तो हमारी मसाले चाय की रेसिपी बनाने के लिए आज हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो देख लेंगे। तो मसाले चाय बनाने के लिए हमें सबसे पहले मसाले बनानी पड़ेगी। तो मसाले में यहाँ पे हमने सौंफ लिए हैं, यहाँ पे हमने चाय पत्ती ले लेंगे, तेज़पत्ता ले लेंगे, दालचीनी, अदरक, इलायची, कुछ लौंग्स एंड साथ ही काली मिर्च ले लेंगे। उसके साथ ही हम यहाँ पे चीनी ले लेंगे और जो हमारी मेन चीज़ है वो ही हमारी दूध। एक हमाम दस्ता ले लेंगे, उसमें हम एक दालचीनी, थोड़ी सी सौंफ, दो इलायची और साथ ही एक ही लौंग्स और साथ ही चार पांच ऐसे हम काली मिर्च ले लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम कूट लेंगे। तो कूटने के बाद हमारे मसाले बनके तैयार है। देन हमने जो अदरक लिया था उसको भी हम ऐसे ही कूट लेंगे। तो कूटने के बाद हमारे अदरक भी यहाँ पे बनके तैयार है। तो सबसे पहले हम एक गैस के ऊपर एक पतीला चढ़ा देंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी पानी डाल देंगे। पानी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो चाय बनाएंगे वो नीचे लगेगी नहीं। देन हम यहाँ पे दो कॉपी चाय बनाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे दो कप से थोड़ी सी ज़्यादा दूध ले लेंगे। तो इसे डालने के बाद हम अपने दूध को अच्छे से उबालने के लिए छोड़ देंगे। हमारे दूध में अभी एक अच्छी सी उबाल आ गई है। देन इस पर हम एक ही चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमने दो चम्मच चीनी ले लेंगे। देन हमने जो तेज पत्ते लिए थे वो भी इसमें डाल देंगे और हमने जो कुटी हुई अदरक था उसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे और हमने जो मसाले बनाए थे उसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो सारे चीज़ को डालने के बाद इसको हम चम्मच की सहायता से ऐसे ही हमें बीच बीच में चलानी है। ऐसे चलाने से क्या होगा कि हमारी जो मलाई ऊपर नहीं बैठ पाएगा, वो हमारी चाय के अंदर ही घुल जाएगा, जिसकी वजह से हमारी चाय की टेस्ट और भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो करीब 10 मिनट के आसपास उबल जाने के बाद हमारी चाय की रेसिपी बनके तैयार है। देन इसे हम एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। तो हमारी आज की चाय की रेसिपी बनके तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे हमारी और एक नई वीडियो में और भी कुछ नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।